इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है 1899 की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहा था, जो कि इंडिया ऑलमोस्ट हारने वाला था और उस बल्लेबाज के सामने बड़े बड़े दिग्गज महारथी आउट हो गए थे और सबको विश्वास था कि इंडिया को अब कोई नहीं बचा सकता। तब उस टाइम पे एक 16 साल का बच्चा आकर पिच पर खड़ा हो जाता है और तब उस पिच से 150 की स्पीड से बॉल आकर उस लड़के के नाक पर लग जाती है और उसके सारे कपड़े खून से लाल लाल हो जाते हैं। और तब वह लड़का एक बात बोलता है जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख देता है और कहता है कि साहब मैं हारेगा नहीं बल्कि मैं खेलेगा। और आज इस बंदे को दुनिया द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के नाम से जानती है। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसके जिद को बयां करती है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आती है कि उनके फादर की डेथ हो गई। सबने एक्सेप्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसके जगह पर कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा हो जाता है और इस हालात में भी सेंचुरी लगाता है और अपने टीम को जिता कर वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए निकल जाता है। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन जिद होता है और वहीं कुछ हटके कर जाते हैं। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए एनर्जी नहीं जिद और वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जिद ऐसी पागलपन परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं। और ऐसी ही कहानी है एक शख्सियत की जिसे सेमीफाइनल में हारने के बाद इस बंदे को बहुत ट्रोल किया गया, पर दोस्तों याद रखना ये बंदा अगर दुनिया की सुनता तो आज भी गोरखपुर स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता। कुछ लोग कठिन परिस्थिति में टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। जो लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं उनकी मिसाल जीवन भर दी जाती है। अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की गुस्से को कभी कम मत होने देना। अभी तो तुम्हें कई मंजिलों को उनकी औकात दिखानी है। बिस्तर से भी इतना प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। याद रखना आज तकलीफ बड़ी है तो कल कामयाबी बड़ी होगी। बंदे को केवल दो चीज कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। और वैसे ही कहानी युवराज सिंह की है, क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, एक ऐसा शख्स जिसने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हरा दिया। अपने खेल की प्रति लगन से अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड हासिल किया। अपने जिंदगी में युवराज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और उन सब से लड़ते हुए इस मुकाम पर पहुँचे। दोस्तों मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती है, बस ये याद रखना कि आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर दो कि जमाना भी मिसाल दे।